हेलो एंड वेलकम टू सैम्स डैड किचन। मेरा नाम है सम्राट और आज की डिश है पनीर इन इटालियन सॉस। वेल एक्चुअली पनीर नहीं है, मैंने तोफू लिया है। एंड द डिफरेंस बिटवीन पनीर एंड तोफू इज़ पनीर हमारे नॉर्मल दूध से बनता है और तोफू जो है वो सोया मिल्क से बनता है। और तोफू में सैचुरेटेड फैट बहुत कम रहता है कंपेयर टू मिल्क से जो पनीर होता है उसमें, और उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा रहता है। सो विच मेक्स इट अ हेल्दियर रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल पनीर। नॉर्मल पनीर में सैचुरेटेड फैट कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। तो रेसिपी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। हेलो एंड वेलकम बैक। एज आई सेड, आज की रेसिपी उनके लिए है जो कीटोजेनिक डाइट कर रहा है। और कीटोजेनिक डाइट यू मस्ट नो कि एक्सट्रीम फैट लॉस के लिए डाइट है। और अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन है कि ऐसा कैसा डाइट है कि इतना सारा फैट खा के भी फैट लॉस हो रहा है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीटोजेनिक डाइट। इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोज़ है कि डाइट कैसे काम करता है। वेल आई गेस वो सारे वीडियोज़ थोड़े कॉम्प्लेक्स है, तो मैं भी वो वीडियो बना सकता हूँ टू अंडरस्टैंड इन ईजी लैंग्वेज। Should I make it or not? एक काम कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। Anyway, let's start today's recipe. पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने क्या लिया है। So what we have here is tomato, capsicum, पनीर और tofu। आपको जो यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। Oregano, chili flakes, मैंने सूखी लाल मिर्च पूरी ले ली है। Garlic, full fat cream और मेयोनीज। ओके, तो बनाना स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले जाएगा टमाटो, सूखी लाल मिर्च जो मैंने बताया था, गार्लिक 2 क्लोव्स, और इसको कर देना है क्रश। Let's turn the heat on. Around 2 tablespoon extra virgin olive oil. और ये टोमेटो प्यूरे। It's a real quick recipe, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। और टोमेटो के साथ ही डाल दो salt. As you can see, काफ़ी हद तक पानी उड़ गया है टोमेटो से। गैस की फ्लेम थोड़ी कम कर दीजिए और उसमें डालेंगे कैप्सिकम, ओरेगनो, वन टेबल स्पून जितना हाई फैट क्रीम, और मेयोनीज वो भी 1 टेबलस्पून जितना। और एक ये इंग्रेडिएंट्स है जो कि आप स्किप कर सकते हो, विच इज़ टोमेटो केचप। बिकॉज टोमेटो केचप में शुगर रहता है, तो अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, इफ़ यू आर ऑन कीटोजेनिक डाइट, तो अच्छा है। राइट, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। कैप्सिकम थोड़े कच्चे हो तो ही अच्छा है, उसका टेस्ट अच्छा आएगा। और इसमें हम डालेंगे पनीर। और गार्निशिंग के लिए थोड़ी ग्रीन ऑनियन। एंड इट इज डन, गैस ऑफ। राइट, आई होप यू गाइज इन्जॉय टूडेज रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं आगे और भी बहुत सारे रेसिपीज़ के वीडियो लेके आऊँगा और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लेके आऊँगा। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।